कहीं से आया है। शाहरुख, ये शाहरुख है। जाऊं, तमाशा नहीं करना, तमाशा नहीं करना। यहां पे सुकून से बैठ के बात करनी है। कब से चल रहे, कब से जानते उसे? मैं वो कुछ नहीं। कब से जानते हो उसे? और ये वीडियो क्या चक्कर है, बोलो। बोलो 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 बोलो। कौन था ये? पता नहीं बहाज, ये सारा से पूछे, इसका कोई जानने वाला था। मैंने तो आपको फोन किया था ना कि मैं जा रही हूँ। मैंने अम्मा और खाला से भी इजाजत ली थी। जरिया क्या बोल रही हूँ, बताऊंगा बहाज को। क्यों झूठ बोल रही हो तुम, बताओ ना कि तुम्हारे जाने वाले थे। मैं तो सबको बता कर आई थी। तुरैया झूठ मत बोलो, जो बात है बहाज को बताओ, वो अंडरस्टैंड करेगा। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कौन था ये लड़का? मुझे नहीं पता बहाज, ये कह रही हूँ ना, इसका कोई जाने वाला था। दोनों एक साथ बैठे थे, मैं तो अलग बैठी हुई थी। ये लड़े हैं तो मैं फिर यहाँ गई इनके पास। कब से चल रहे, कब से जानते उसे? मैं वो कुछ नहीं। कब से जानते उसे? और ये वीडियो क्या चक्कर है, बोलो। का ना, मैं भी तुम्हें जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगी। बहुत जल्दी कर दी तुमने फैसला करने में बहाज। जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आज।
ढूंढो इस लड़के को और लेकर आओ मेरे सामने वो वीडियोस। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठ के वो वीडियो देखूंगी। और फिर फैसला करना तुम कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ का क्या जवाब। तुम कोशिश किया करो मेरे सामने ना ही आया करो। जिसने मैं खुद को रोक के बैठा हूं ना, ये मैं ही जानता हूं। तुम्हारी ख्वाहिश फिलहाल तो मैं पूरी नहीं कर सकती। बर्दाश्त तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाते मैं यहां से जा नहीं सकती। बंदा मैंने ढूंढ लिया है और कल सुबह तक सबूत भी मेरे पास आ जाएगा, समझी? तुम इंतजार करो। मेरी मदद करोगी? क्या करूं तुरैया, मैं क्या कर सकती हूं? मैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा लेकिन तुमसे एक बार मिल लो। तुम उससे मिलोगी ना तो उसको पता होगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है। वो उसको उसके औकात याद दिलाना। वो भी कुछ भी कर लेता है सारा। मुझे तब क्या दे, मुझे भाग मिल गया था। तो खाओ ना, मैं तुम्हारे पास पड़ती हूँ। प्लीज करियो तुम सारा, प्लीज। वो मेरी बात नहीं सुन, प्लीज उसे एक बार मैं लूँ बगैर उसको उसके औकात याद दिला दो उसको सारा। अगर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा ना, मैं खुशी करूँगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुमने तो वहाज को बोल दिया कि वो जाके तफ्तीश कर ले और वो कर रहा होगा। खुदा ना खास्ता सारा वो शाहरुख तक पहुंच गए हैं, उसे सब पता लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि क्या कह रहा होगा। प्लीज बचा लो। तुम्हें क्यों लगता है
कि तुम्हारी चलाकी से हर बार की बाजी तुम जीत जाओगी? और सब कुछ तुम्हारे हक में होगा? पहले कहती ना मुझे अगर तो मैं कर देती, लेकिन अब मैं इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। मैं मजबूर थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत नहीं थी। मैं गलत थी क्योंकि मैंने एक घटिया शख्स पे इत्तेफाक किया। बस सारा अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बचा लो, प्लीज। लेकिन अब मैं ये ठीक नहीं कर सकती। मुझसे ठीक नहीं होगा। मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रिया इधर आओ ना, जरा मेरे सर में तेल तो डाल दो। आई माँ। चंदन सब ने तुम्हें कटहरे में खड़ा किया हुआ था ना, जब तुम पे ये वक्त आया था कि तुम भी कसूर थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। मैं खड़ी थी सारा, मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम्हारा कसूर नहीं है, इनको गलत फहमी हुई है। कसूर मेरा भी नहीं है। तू शादीशुदा नहीं थी तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी जानती हो? मैं शादीशुदा हूं सारा, मेरा शौहर है, मेरा घर है, तो खानदान है। ये बात इस तरह से सामने आई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे इल्तिजा कर सकती हूँ सर? तुम चाहो तो इस घर को बर्बाद कर दो। चाहे इतनी कुर्बानियां दी, मैं जाके भी तुम्हारी गलती अपने सर नहीं ले सकती। मैं तुम पर बस अफसोस कर सकती हूँ। तारा को कहाँ देखा तुमने? हम मत छोड़े, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायद यही फर्क है इन लोगों में और हम लोगों में। नहीं, एक मिनट, क्या क्या देखा तुमने बताओ? छोड़े ना अम्मा, कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना। नहीं तो रैया, नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम है। क्या देखा तुमने, कहाँ देखा सारा को, बताओ मुझे, ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सके। मैं और नोशी जिस जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, वहां सारा भी थी उसी लड़के के साथ। क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो दुरैया? मैं जानती थी कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। आप लोग नोशी को ही बुला लें, वो सच बता रही कि मैं किसके साथ ही और
सारा किसके साथ? ये रही तुम्हारी असलियत, तुम्हारी करतूतों के सबूत। अब बोलो क्या जवाब दोगी उस तप्पड़ का? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, केस में मेरे खिलाफ सबूत है, बोलो। कुछ आके देखो ना, बल्कि आज ऐसा करो, तो अपना पूरा बिस्तर पैक करो और यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुमने देखा इसमें क्या है? देखा तुमने? हाँ? आज, आज क्या हो रहा है ये? रुक जाए अम्मी, आज रुक जाए, आप कुछ नहीं बोलेगा, करने दे जो मैं कर रही हूं। आज बोलने दे इसे। हाँ बोलो, क्या देखा है तुमने इसे? मैं क्या, मैं बेगैरत लगता हूं जो अपनी आंखों से देखूंगा? मामी प्लीज, आप दोनों ना अब यहां से चले जाएं। आप दोनों इस घर में अब नहीं रह सकते, प्लीज। हाँ चले जाएंगे, मैं और मेरी माँ यहां से नहीं रहेंगे यहाँ। लेकिन जाने से पहले इस यूएसबी में क्या है ये सब घर वालों को देखना होगा। छोटी पुप्पू, बड़ी पुप्पू, दुरैया आओ ना, देखो आके। बाज के पास तो मेरी बदकारियों का सबूत है। हाँ लाओ ना, दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी, आई समझ? अब सबको दिखाऊंगी मैं कि मैं कितनी आवारा हूं। क्या हो गया सारा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने शोर क्यों है? सारा क्या कह रही हो? सब कुछ नहीं, ये लाया तुम्हारा शौहर। आज कह रहा है देखना बहुत जरूरी है। तो आओ ना सब मिलकर देखते हैं। सहरा आज क्या हो रहा है? रुक जाओ बाज, आज दोबारा अपनी बेटी पर इल्जाम लगाकर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो तुम मेरे साथ। अरे भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, हैं?
तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर। पर एक बात कह रही, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है, अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है, जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है उसके लिए फूफो पर हाथ उठाना क्या मसला है? क्यों किया तुमने? क्यों कर रहे हो तुम? छोड़ो मारी तुम्हें। खेल तुम रही है हाँ दुर्या, क्यों खेल ऐसा? हम सब तुम्हें क्या समझते रहे और तुम क्या निकली? चले तो चल गए ना, मैं क्या हूं कैसी हूं? कर ले मेरे हक में फैसला। कोई भी फैसला करने से पहले खाना मुझे इतना बता दे मेरा कसूर क्या था। क्या मैंने क्या किया? सारा कसूर आपकी बड़ी बहन मेरी माँ का। झूठ नहीं बोलना आ जाता बच्चे को, झूठ बोलना सिखाया। सबसे गलतियां होती है, हर किसी में बुराई होती है, मुझमें भी थी, मैं भी करती थी गलतियां, लेकिन मेरी हर गलती को अच्छाई में लपेट के सबके सामने दरवाना दिन तुरैया ऐसी तुरैया। अरे नहीं थी मैं वैसी, ऐसी थी मैं। नहीं मुझे नहीं अच्छा बनना आता था सबके सामने जैसे सारा थी, मैं बस ऐसी थी। मैं मानती हूं मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, माफी भी मांगती हूँ, लेकिन
सारा की भी तो तस्वीरें आई थी ना। देखी तो वो भी सपने थी, उसको तो माफ कर दिया क्योंकि अच्छी बेटी थी ना। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी आप लोगों की नजरों में, क्यों? जब उसको माफी थी, मेरी तरफ सजाएं क्यों खाना? कैसी बेटी हो तुम? थोड़ा अपनी माँ का ही ख्याल कर लेती। अब दुआ मांगो बैठ के कि उनकी जिंदगी बन जाए, उन्हें कुछ ना कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें हमें आदत है झूठ बोलने की। उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने की। कुछ नहीं होगा उन्हें, अभी सही सलामत ठीक बाहर आ जाएंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें। रुक्सा, कैसी कंडीशन है? उनको फालिज का सीवियर अटैक हुआ है। जिसकी वजह से उनकी बोलने की सलाहियत मुतासिर हुई है। अब शायद वो कभी बोल नहीं पाएंगे। हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है, आप लोग दुआ कीजिए। सौरभ, सारा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया अम्मी, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी चुप रह जाती ना अम्मी, तो ये मुझे भी मार देते जैसे इन लोगों ने मेरे बाप को मारा है। दुरैया के झूठ पे से पर्दा उठाना जरूरी था अम्मी। शायद अब वो झूठ बोलने से थक जाए। कहाँ जाएंगे अब बेटा? आप अब ये सवाल कर रही हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है लेकिन तुम आज ऐसे मत करो। हम यहां से जा रहे हैं लेकिन हमें इस तरह दुखी करके मत भेजो। हम सब कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो से भूल जाए, क्या आइंदा भी हम कम से कम मिल तो सके। दुरैया, तुम ये सब कुछ मुझ पर डालती रहोगी आखिर कब तक? बताओ आज को सच क्या है?
इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो लगने लगा था तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम तो दोबारा भरोसे के काबिल ही नहीं। मामी, मैं यही तो चाहता हूं कि आप लोग यहां से ना जाएं। प्लीज प्लीज आप दोनों इस घर से मत जाएं। मैं भी यही चाहता हूं कि हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। एक दूसरे के साथ अपनी गलती की तलाफी करने आया हूं मैं। गलती की तलाफी तो तब होती ना जब आप गलती पे गलती ना करते, और मैंने आपको माफ किया। यही सबसे बड़ी सजा है आपकी। मैं जानता हूं तुमने मुझे सजा नहीं दी। इसलिए मैंने अपने लिए खुद ही सजा तजवीज कर ली है। मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी। जब जब मैं उसे देखूंगा तब तब मुझे एहसास होगा तुम जैसी बाइज्जत और बा किरदार लड़की किरदार को दागदार करने में मेरा क्या किरदार था। नहीं बेटा, ये तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हारी और दुरैया के बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक हो जाए। बेटा बच्ची है, मैं तो कहती हूँ तुम उसे माफ कर दो। गलती हो गई उससे, तुम देखना अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सारा तुम भी। मैं कहना चाहता हूं कि क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? सब कुछ खुल के मेरे सामने आ चुका है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मामी, मैं सारा को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो कि मैं पहले उसे नहीं दे पाया। मैं सारा से शादी बस करो। एक लफ्ज की कॉल आ गई। क्या थे वो दिन
जब तुम सबने मुझे कसूरवार ठहरा के कटेरे में खड़ा कर दिया था। और तब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, एक सारा और एक दुरैया, और तुमने दुरैया को चूज किया। वहाज अहमद वल्सराज अहमद साहब, गवाहान की मौजूदगी में बहुत महर 50,000 रुपये सिक्के रायज रुवा आपको दुरैया इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है। कबूल है, कबूल है आपको, कबूल है, कबूल है। आज मेरे पास भी दो ऑप्शन है,